आज मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो यहाँ 500 ग्राम लौकी है, बहुत ताजी। तो इसको हम छील लेंगे। पहले हम देख लेंगे लौकी कड़वी तो नहीं है। ठीक है लौकी, तो अब हम इसे बनाएंगे। इसका छिलका पहले उतार लेंगे। इसे दो टुकड़ों में ऐसे काट लेंगे पहले। फिर ये जो बारीक वाली साइड है, बहुत बारीक नहीं, मीडियम वाली जो साइज है, वहाँ से हम इसे कद्दूकस करेंगे ताकि ज़्यादा पानी भी ना निकले। तो इस साइड से हम कद्दूकस कर लेंगे मीडियम साइज से। इसे ऐसा क्या बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकलेगा, और अगर ज़्यादा पानी नहीं होगा तो हम ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, लौकी ज़्यादा रहेगी बेसन कम। यहाँ पर लौकी मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिए। अब इसका पानी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। पूरा पानी हम निचोड़ लेंगे अच्छे से। इसका पानी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पर निचोड़ के मैं रख रही हूँ, एक जगह रख रही हूँ। इसका पानी हम फेंकेंगे नहीं। अगर हम नहीं निचोड़ेंगे तो इसका पानी ज़्यादा रह जाएगा बीच में, और फिर बेसन ज़्यादा लगेगा और सॉफ्ट भी नहीं बनेंगे। बस कर लिया है, इसका पानी मैंने यहाँ पर निकाल के रख लिया है। अब इसे हम इसमें मसाले डालेंगे। थोड़ा सा कद्दूकस करके रखा है मैंने अदरक, उसको डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डालेंगे। अब बेसन डालेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ऐसे मिक्स करेंगे, इसे हाथ से मिक्स करेंगे। अब बेसन डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे बेसन। और लास्ट में इसमें हम नमक डालेंगे। नमक लास्ट में डालेंगे, नहीं तो ये ज़्यादा पानी छोड़ देगा। मिक्स करेंगे इसे। बेसन थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डालती हूँ। अब इसके छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बना के हम रख लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से गोले बन जाएंगे। लौकी ज़्यादा रहे, बेसन कम रहे, तभी अच्छा लगेगा। सारे कोफ्ते इस प्रकार से मैं बना के गोले रख लूँगी, और दूसरी तरफ मैं रिफाइंड तेल रख दूँगी गर्म होने के लिए। सारे कोफ्ते मैंने बना लिए हैं, इस प्रकार से गोले बना के रख लिए हैं लौकी के। इसे मैं फ्राई करूँगी। तेल गर्म हो गया है, मैं डाल रही हूँ इसमें पत्तों को। हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम में करेंगे फ्राई, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जितने कढ़ाई में एक बार में आ जाए उतने हम डाल लेंगे।
इसे धीरे से हम हिला लेंगे, सब हिल जाएंगे कोफ्ते, धीरे से हिलाएंगे या फिर धीरे से हम पलटी कर देंगे, ऐसे करके धीरे से पलट देंगे इसे। यहाँ दो प्याज मैंने ले लिए हैं, उसको लंबा लंबा काट लिया है, इसे मैं पहले पीस लूँगी। कोफ्ते फ्राई हो गए अच्छे से, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इसमें, इसे मैं निकाल लेती हूँ। साइड में ऐसा करके निकालेंगे, बाकी जो तेल है वो कढ़ाई में चला जाएगा। और दूसरा बैच भी मैं इस प्रकार से बनाती हूँ, इसको भी तल लेती हूँ मैं। दूसरे बैच के कोफ्ते भी बन गए हैं, इसे मैं निकाल लेती हूँ। जो एक्स्ट्रा तेल है इसे मैं निकाल लेती हूँ, थोड़े तेल में बनाएंगे। अब इसमें डाल रही हूँ 3 लौंग, 1 तेज़पत्ता, जीरा, हींग, थोड़ी सी सरसों, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से सब फ्राई हो जाएगी। सब अच्छे से फ्राई हो गया है। दो प्याज जो मैंने मिक्सी में पीस लिए थे उसको अब मैं डालूंगी। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अदरक ग्रेट किया है उसे भी डाल दूंगी। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं, इसमें थोड़ा सा हल्दी डालूंगी, 2 लाल मिर्च खड़ी, इस समय डालेंगे या पहले डालेंगे तो जल जाएगी, धनिया जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 1 चम्मच बेसन डालूंगी मैं, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है, फ्लेवर भी अच्छा आता है। इनको अच्छे से भून लेंगे। लौकी का जो पानी निकाल के रखा था उससे थोड़ा सा मैं डाल दूंगी ताकि मसाले जले नहीं। बेसन अच्छे से फ्राई हो गया अंदर में, पानी मैंने थोड़ा डाल दिया था ताकि जले ना। सभी मसालों के साथ बेसन भी फ्राई हो गया है अच्छे से, तेल ऊपर आ गया है। लहसुन, 4 टमाटर मैंने काट लिए हैं रफली, 1 हरी मिर्च, इसको अच्छे से पीस लेंगे। टमाटर मैंने पीस के रखा था ना, लहसुन प्याज और हरी मिर्च, उसका पेस्ट मैं इसमें डालूंगी। नमक डाल देंगे, लौकी का जो पानी बचा था उसको भी डाल दूंगी। और इसे थोड़ा सा मैं ढक देती हूँ। तेल ऊपर आ गया है, मसाले अच्छे से भून गए हैं, गरम मसाला डाल रही हूँ ऊपर से, इसको लास्ट में डालेंगे। 1 हरी मिर्च मैंने ऐसे लंबी लंबी काट ली है, इसे भी लास्ट में डालेंगे। कस्तूरी मेथी को मैंने भून लिया था, हाथ से क्रश कर लिया है, इसे भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे।
अब इस जो मिक्सी में मैंने टमाटर सब पीसा था उसमें मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मैं ढक देती हूँ। ग्रेवी गाढ़ी हो गई एकदम। हरा धनिया डाल देती हूँ ऊपर से। कोफ्तों को मैं डाल रही हूँ। बस 2 मिनट मैं रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे गाढ़े गाढ़े से बने हैं एकदम। बनकर तैयार हो गए कोफ्ते। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है, गाढ़ी गाढ़ी। कोफ्ते भी एकदम सॉफ्ट बने हैं, तो बनकर तैयार हो गए हैं। सॉफ्ट एकदम कोफ्ते बन के रेडी हो गए हैं। ग्रेवी एकदम गाढ़ी बनी है। बेसन मैंने जो डाला था उसकी वजह से देखिए कितनी अच्छी से गाढ़ी हुई है इसकी करी। और गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ मैं। तो मैं एक निकाल के तोड़ कर दिखाती हूँ आपको कितनी इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है। आगे दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखिए अंदर से भी एकदम अच्छे से बन गए हैं और कितने सॉफ्ट हैं, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले कितने सॉफ्ट बने हैं। तो आप इस प्रकार से बनाएं। लेकिन फ्रेंड्स इसको बनाते समय 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें। जैसे हम लौकी को पहले कद्दूकस करेंगे तो उस समय इसका पानी हम अच्छे से निचोड़ लें और बेसन को हम धीरे धीरे उसमें डालें बाइंडिंग के लिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे हम इसमें लो मीडियम फ्लेम में इसे हम फ्राई करेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसके जो मसाले हैं इसे लो फ्लेम में बहुत अच्छे से इसको फ्राई करेंगे अच्छे से, तभी इसके फ्लेवर इसमें अच्छे से आ पाएंगे। तो आप भी इस प्रकार से बनाइए। तो इसमें प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप भी इस प्रकार से बनाएं। आप भी ऐसे ही बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।